कॉस्ट वगैरह भी बता दे भाई क्या क्या लगा रखा है। साहिल भाई अभी बताएगा, मैं आप साहिल भाई को दिखा देता हूँ, वो बता देगा कि हाँ कितना कितना कॉस्ट आया। सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज सूरज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नए एंड फ्रेश व्लॉग के साथ। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी 42 में, वहाँ पे मैंने साहिल भाई को बुलाया है बिकॉज उसने अपनी बाइक में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाई हैं। वो आपको मॉडिफिकेशन क्या क्या करवा रखी है वो मैं आपको वहीं पर ही जाके बताऊँगा और दिखाऊँगा कि हाँ भाई कैसी कैसी मॉडिफिकेशन है और क्या क्या कॉस्ट आया है उसका और कैसी लग रही है बाइक। सो बाय द वे, आज थोड़ा धूप वाला मौसम हो रखा है, धूप 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 और ये ट्रिपलिंग, वाह भाई वाह क्या बात है। वैसे आज व्लॉग करने का कोई मतलब कि प्लान था नहीं, बस सडन ही प्लान बन गया कि हाँ भाई चल आज मैं इसके ऊपर आज जो है वीडियो बना लेता हूँ, बिकॉज साहिल भाई भी मेरे को कह रहा था कि हाँ मतलब वीडियो वगैरह बनानी है तो बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, वीडियो भी बना लेते हैं, नाले इसी बहाने साहिल भाई से भी मिल लूँगा। और आज प्लान इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को लगा था कि लॉकडाउन होगा, बट लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन जो है हटा दिया गया है, बट कर्फ्यू जो है कर्फ्यू लगा रहेगा। कर्फ्यू का टाइम जो है चेंज हो गया, वो अब 9 से 5 बजे तक का हो गया, तो वही है पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो कहाँ पे भाई? आ गया बस सिर्फ 5 मिनट। तो मैं अभी साहिल भाई का वेट कर रहा था, तो अभी देखते हैं कब तक आएगा साहिल भाई। और यहाँ का ना माहौल जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा पीसफुल सा हो रखा है, मतलब यार यहाँ पे दूर दूर तक अभी कोई भी नहीं है, मतलब शांति एकदम जैसे कहते हैं ना। अभी दिखाता हूँ आपको व्यू, बाय द वे सामने मेरे है 42 का पार्क, पार्क में भी यार कोई भी नहीं है यार, दूर दूर तक तो कोई दिख ही नहीं रहा। वैसे तो यहाँ पर बहुत दिखते हैं, शाम के टाइम पर होगा थोड़ा रश यहाँ पर, अभी तो भाई कोई भी नहीं है और हर जगह पे धूप ही धूप है। थोड़ा पेड़ के नीचे बैठा हुआ अभी फिलहाल साहिल भाई, तो आ जाए फिर देखेंगे। भाई बंदा आ गया, बंदा बाबे चप्पलों में आए तू आज? हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया ठीक है, बढ़िया एकदम। और बताओ कैसे? ये रहा साहिल भाई, साहिल भाई कुछ कहना चाहता था भाई, कह सकता है? कैसे हो सब? और भाई के चैनल को सपोर्ट करो फुल, और अच्छा ग्रो कर रहा है भाई का चैनल, और एक बार वीडियो देखो भाई, बहुत अच्छी एडिटिंग वगैरह करते हैं, थैंक यू। तो मेहनत जो लगती है वो आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत लगती है एक ब्लॉग शूट करने में, तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। भाई मेहनत तो लगती है बिकॉज देख लो भाई, अभी भी धूप में इतना आ रखे हैं स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। मैं फ्री था घर में, तो मैंने सोचा चल यार आज इस टॉपिक पे वीडियो बना लेते हैं, बिकॉज भाई ने भी अपनी बाइक जो है मॉडिफाइड थोड़ी बहुत करवा ली है, और वो क्या क्या हुई है वो मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले कि हाँ मैं आपको बताऊँगा, और पूरा डिटेल वगैरह देंगे कि हाँ कितना कॉस्ट आया है क्या क्या हुआ है। और बाइक अभी नहीं दिखाना है इनको, बाइक थोड़ी देर में दिखाएंगे, सिनेमैटिक्स में दिखाएंगे अच्छी लुक में। और साहिल भाई के साथ अभी थोड़े टाइम पहले कुछ ऐसा हुआ था कि भाई का एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पे राइड के टाइम पे ही, तो तब करके फिर वही है, अच्छी बात यह थी कि मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगी और गाड़ी वाला काफ़ी स्पीड में था, तो वो है कि बच गया साहिल भाई, और मतलब गाड़ी वाले के आगे नहीं आया, थोड़ा सा एंड वाले पोस्चर में थोड़ा टच हो गई थी बाइक, तो तब करके। सो गाइस यार अगर कभी भी आप राइड वगैरह करो तो पूरे राइडिंग गेयर प्रॉपर राइडिंग जैकेट शूज़ वगैरह में करो, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे को पता है, मेरा बहुत ज़्यादा बचाव हो गया बिकॉज मेरे पास राइडिंग जैकेट वगैरह थी, ग्लव्स पहन रखे थे, हेलमेट था, मेरा एक हेलमेट पूरी एक साइड से घिस गया। फिर बाकी साहिल भाई थोड़ा भाई बच गया था, बाकी ठीक है भाई, थोड़ा राइड करते ना थोड़ा केयरफुली करो, आगे पीछे देखो कि हाँ भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और वही है। और मॉडिफिकेशन आपको फिर दिखाते हैं क्या क्या फिर भाई ने मॉडिफाई करवाई है बाइक और कितना कॉस्ट आया है। बाकी भाई बाइक जो है काफ़ी सेक्सी लग रही है और दूर से अलग ही चमक रही है, तो चलो यार आपको दिखाते हैं। सिनेमैटिक्स आपने देख लिया बट फिर भी आपको एक बार बता देते हैं इसमें क्या क्या लगा रखा है। तो इसमें भाई फर्स्ट चीज़ है वो लगा रखा है भाई इसमें मास्क लगा रखा है और विंगलेट लगा रखा है और फ्रेम स्लाइडर है और साइड में ये विंग्स वगैरह भाई ने अभी ऑर्डर किए थे, ये चीज़ अगर दिख रही है तो ये विंग्स है। और इसमें क्या क्या है, और सीट कॉल भाई लेके आया नहीं है, मतलब लगा नहीं रखा भाई ने अभी, और इसमें क्या क्या रखा है, और रेडिएटर गार्ड भी है, और अंदर फेयरिंग की लाइटें वो भी, और ये जो फेयरिंग के अंदर की लाइटें भी हैं इसमें भाई ने लगवा रखी है, ब्लू से कलर की है, तो एक व्लॉग में आ रखा भाई की ये वाली लाइटें जो हैं आ रखी हैं, तो यहाँ पे ये देखो भाई तार जा रही है और यहाँ पे लाइटें लगी हुई है, स्ट्रिप्स ही है
वो लगी हुई है, वो पहले वाले व्लॉग में देख लो आप, उसमें आपको पता चल जाएगा जो उस दिन डिलीवरी की वीडियो ली, बाइक विकास भाई के बाइक की डिलीवरी हमने ली थी, उस वाले व्लॉग में इस लाइट को दिखा रखा है मैंने, तो आप जाकर देख सकते हो। और कॉस्ट वगैरह भी बता दे भाई क्या क्या लगा रखा। तो साहिल भाई अभी बताएगा, मैं आप साहिल भाई को दिखा देता हूँ, वो बता देगा कि हाँ कितना कितना कॉस्ट आया। साहिल भाई बता। सो सबसे पहले तो इसमें बबल वाइजर लगवा रखा है, तो इसकी कॉस्ट जो थी वो 600 रुपीज़ थी, प्लस 50 रुपीज़ उन्होंने चार्ज लिए थे फिटिंग वगैरह। उसके बाद में मिरर वगैरह थे, ये जो मिरर थे वो थे 1700 रुपीज़ के। और इसके अलावा ये जो मास्क और ये मैंने मंगवाए थे 1700 रुपीज़ के टोटल। विंगलेट जो थी वो थी 300 रुपये की। और इसके अलावा ये जो लगवाई थी मैंने नंबर प्लेट, ये थी 500 रुपीज़ की। और रेडिएटर कार था वो भी 500 रुपीज़ का था इसके अंदर। इसके अलावा जो स्लाइडर थे वो स्लाइडर मैंने लिए थे, शायद 1000 रुपीज़ के स्लाइडर लिए थे। और इसके अलावा जो ये लाइटें लगवाई थी, ये लगवाई थी मैंने 1500 रुपये में, पूरी अंदर जो लाइटें चल रही है वो है। और जो इसके अंदर हज़ार लगा है, ये दिखाओ एक बार, हज़ार जो लगा है, ये हज़ार का स्विच है, इसके अंदर चारों इंडिकेटर चलते हैं, ये शायद मैंने 1500 रुपये में लगवाए थे सिमटेक का। ठीक है भाई। और जो काउल था वो मैं लेके नहीं आया आज। इसके अलावा मैंने इसमें एग्जॉस्ट भी लगवा रखा था, लेकिन इसके अलावा मैं यार इरिटेट हो गया था एग्जॉस्ट से, तो मैंने एग्जॉस्ट तो हटवा दिया इसका, बस यही अभी आप तो फिलहाल। और बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी वीडियो आएगी इसके अंदर काफ़ी। और लड़के का कॉन्फिडेंस देख रहा भाई, कितने तेजी में बोली जा रहा है। मतलब भाई पहले जब ये भी जो आया था ना भाई, पूरा शांत रहता था, और अब देखो भाई। अरे भाई आ जा, हाँ। इतना टेंशन ना ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब आप फेमस हो चुके हो, काफी लोगों के व्लॉग में आ रहे हो आप भी। और अगर इसकी वीडियो वगैरह कुछ चाहिए तो भाई को बोल देना, भाई इसकी वीडियो दे देंगे आपको भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और कॉस्ट वगैरह जो है वो भाई आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में और मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कि हाँ भाई क्या क्या कितना आया है। तो वही है, और फिर चाहते हो बाकी बस ये है कि भाई के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखो जरूर भाई, जरूर बहुत वीडियो आएगी अभी इसके अलावा, और राइड के अलावा भी आएगी, हम जो राइड करेंगे साथ में दोनों अभी। हाँ भाई अभी वैसे प्लान तो अभी बन नहीं रहा, बट ठीक है भाई बनेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो लॉकडाउन है। हाँ अभी लॉकडाउन तो वैसे हट गया है वैसे, बट वही है कर्फ्यू चल रहा है 9 बजे से 5 बजे तक का, अभी टाइमिंग का बस वही है चेंज हो ही जा रहा है टाइमिंग कर्फ्यू का भी। बाकी चलो ठीक है गाइस, इस वाले व्लॉग को फिर करते हैं यहीं पे ख़त्म, बस ये वाला व्लॉग जो था यहीं तक था। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, दिस इज हेल्पर राइडर साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और अच्छा लगा तो भाई शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया तो। बाकी चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, बाय बाय।